नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या महिला कांस्टेबल नीलू शर्मा स्टेट में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है, जिन्हें एसएसपी द्वारा 5,000 रुपए नगद प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। नीलू शर्मा फैजाबाद महिला थाने में तैनात हैं, जो कल यहां से वाराणसी में होने वाली 4 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित है, जिसमें अयोध्या मंडल से नीलू शर्मा, नीरज सिंह, विशाल सिंह, मनीष राय, नवनीत, शिवम तिवारी, वंशिका चौधरी जा रहे हैं। ज्ञात हो कि नीलू शर्मा सुबह 3 बजे से शाम 3 बजे तक नागेश्वर नाथ में मेला ड्यूटी में तैनात यह नीलू शर्मा इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का एक सपना है। नीलू शर्मा के हौसले को देखकर ऐसा आभास होता है कि निश्चित ही वह दिन दूर नहीं है जब वह इंडिया के लिए ओलंपिक में मेडल लाकर अयोध्या का ही नहीं देश का भी नाम रोशन करेंगी। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव और धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट है, जहां पे एक महिला जो है ड्यूटी कर रही है। और आप नीलू शर्मा जी हैं, जो अभी फ्री स्टेट में जो है लिफ्ट स्टेट देवी की जो है उन्होंने अभी जो है सिल्वर जीता है, सॉरी जीता है। और आपको एसएसपी महोदय ने यहाँ पे आपको 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र भी दिया, जो कि पैसा भी आपको नहीं मिल पाया है, तो बड़ा दुर्भाग्य। और दूसरी बात है कि अभी आपको जो है यहाँ पे महिला थाना में भी आप ड्यूटी कर रही हैं, और ऐसे मौके पर इनको अभी बनारस भी जाना है, शायद कल जाना है। तो आपको बता कैसा महसूस हो रहा है कि आपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश देवी की आपने जो है पिछले देवी का जो है जीता है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे प्राउड हो रहा है कि मैं मतलब अपने प्रदेश के लिए खेल रही हूँ। और मैं विभाग से मैं सबसे कहूँगी कि सब आगे बढ़े खेले। मैं कल ये इंडियन चैम्पियनशिप है जो शूटिंग का बनारस में, उसमें जा रही हूँ। वहाँ पे भी मैं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वहाँ गोल्ड जीत के आऊँ और सबका नाम का नाम। आपकी एक सपना है कि ओलंपिक जीत करके भारत का नाम रोशन करना है, इस विभाग का नाम रोशन करना है। और मुझे देख के बहुत सारी लड़कियाँ तेज होंगी आगे आने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको एसएससी साहब ने एक प्रशस्ति पत्र देने कहा था, 5,000 रुपये देने कहा था, तो क्या उसको आपको मिला था? हो गया, मैंने मतलब आगे बात की है, अभी मिला तो नहीं है, मिल जाएगा। लेकिन ड्यूटी वर्क कर रहा है 3 बजे से 12 घंटे की ड्यूटी तो है, उस पर आपको क्या कुछ एतराज है कि मतलब साथ 12 घंटे आपके साथ महिला होने के साथ आपको 12 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है? एतराज क्या करें, ड्यूटी है तो पुलिस विभाग की है, आपको समझना है कि 24 घंटे की ड्यूटी होती है। लेकिन ड्यूटी के साथ साथ मैं इतना कर रही हूँ, ड्यूटी के साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद जाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, उसके साथ साथ ही मतलब। अच्छा, अब क्या सहयोग मिलता है आपको? अभी तक तो मिलता ही रहा है, सर से बोलती हूँ तो सर छोड़ भी देते हैं, लेकिन अब जैसे भीड़ भी रहती है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि इसकी वजह से ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, सरेश पांडे जी एसएसपी थे उस समय, और आज जो एसएसपी वर्मा जी आए हैं, इनमें के प्रसाद वर्मा जी, इन्हें आपको क्या महसूस? अभी सर से तो मैं मिली नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई है नहीं एसएसपी सर से अभी, शायद मैं वहाँ से जीत के आऊँ तो सर मुझे जान जाए, कभी मिलने भी नहीं गई मैं। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आप इतना जो है ड्यूटी करती हैं और थाने में भी आपका जाप जो है ड्यूटी करती है, वहाँ की महिला थाना के प्रभारी जो है वो क्या नाम उनका, जो कुछ निशा शुक्ला मैम है, उनका कैसे कैसे बिहेवियर आपके साथ है? ठीक है, शांत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन में होता है कि जब एक आदमी छोटे स्तर से जाता है उसकी प्रशंसा होती है, तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों का इसका जलन महसूस जरूर होती है। ये मुझे फील हो रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं जो है आपके साथ आपके जो है सफलता में आपकी अधिकारियों का कुछ ऐसा नहीं है कि आप दूसरे प्रयास कर रहे हो तो आपके ऊंचे मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं जो है आपके साथ आपके जो है सफलता में आपकी अधिकारियों का कुछ ऐसा नहीं है कि आप दूसरे प्रयास कर रहे हो तो आपके ऊंचे ऐसा हो सकता है माना है ऐसा भी होता मुझे तो, क्योंकि अभी तक धीरे धीरे सबने जाना नहीं है ना, सब अधिकारी चेंज हुए हैं, सब मुझे जानेंगे तो फिर मुझे करेंगे, मुझे सहायता करेंगे, मुझे आगे बढ़ने के लिए अभी तो मतलब मैंने अभी किसी अधिकारी को बताया नहीं, यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ मैं, अब मुझे पता चला है कल ही, अब मैं आज अपनी ड्यूटी लगाऊंगी, आज मैं उनसे बात करूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, जानेंगे तो देंगे। आपको कोई समस्या हो आप क्या करना चाहती हैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों से और अपने स्टाफ से क्या करना चाहती हैं? समस्या नहीं है, मैं ये कह रही हूँ है भर्ती है पुलिस विभाग में, ड्यूटी तो करनी है, ड्यूटी के साथ साथ नहीं, जैसा कि आप इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रही हैं तो कुछ कार्यों का जो है प्रोत्साहन तो आपको चाहिए कि आप जो है आप सपोर्ट करते रहें, जिससे आप आने वाले समय में आप भारत के नाम रोशन करेंगे पुलिस विभाग से, वो भी अयोध्या से, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरे अधिकारी मुझे जाने और फिर
अगर जाने अभी मुझे लगता नहीं है कि बहुत लोग जानते हैं, जानते तो सब लोग ट्रांसफर हो गया, अभी अधिकारियों से मिलूँ लोग जानेंगे उसके बाद जरूर उनको पता है कि लोग नहीं जानते। क्या संदेश देना चाहती हैं आप इस समय अपने माध्यम पर जारी, क्या संदेश देना चाहती हैं? अच्छा रखती है मुझे आगे बढ़ने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करें, मैं आगे जाऊँ और जीत के आऊँ सबका नाम करूँ। तो अभी हम नीलू शर्मा से बात कर रहे हैं जो अपनी स्टेट में लेवल के जो है इन्होंने सिल्वर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौता इन्होंने जो है जीता है और अब इन्होंने बनारस जा रही हैं। तो बनारस जो आ गए हैं कौन सा जो है ट्रायल है और उसमें भी जा रही हैं यहाँ पे अभी इनका कल से जो है इनको जाना है क्योंकि ड्यूटी भी इनको है और इनको छुट्टी भी मिलने की जो है संभावना है कि मिलता नहीं मिलता वो कोई अलग बात है नहीं मिलेगा। और लोगों की अब है जो जिस तरह से यहाँ पे अधिकारी का सपोर्ट कर रहे हैं अभी शैलेश पांडे जी जो है एसएसपी से उन्होंने काफ़ी सपोर्ट के साथ बड़ा सहयोग करते थे और ये चाहते भी हैं हम सबको समाज चाहता मीडिया भी चाहती है ऐसी महिला का सपोर्ट यहाँ के प्रशांत वर्मा जी जो एसएसपी में होते हैं डीआईजी में होते हैं कि लोगों को करना चाहिए ऐसी महिला को आगे बढ़ाएंगे तो देश का नाम निश्चित रोशन होना चाहिए क्योंकि प्रदेश में जो नाम रोशन उन्होंने एक छक्का जमा दिया है और जो है ओलंपिक जो है देश में इनका मुझे विश्वास है कि जो है नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद धीरज श्रॉफ। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल इंडिया समाचार को सब्सक्राइब करें।